ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर या फिर मोशन ऑफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। मान लें ये लिक्विड रेस्ट पे, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, एक सिलेंडर इसमें फ्लोट कर रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है या नीचे, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल आराम से तैर रहा है। और इसकी कितनी डेप्थ पानी के अंदर है, एच, बॉडी की डेंसिटी रो, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पुश करेंगे नीचे, कितना पुश करेंगे, वाई। एच तो ये पहले ही पानी में था, अब भी एच पानी में है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी में कितना चला गया, वाई। तो अब इसको छोड़ दें तो क्या होगा, सिलेंडर ऊपर आएगा, पानी अब थ्रस्ट लगाएगा, ऊपर आएगा। अब क्या होगा, एकदम यहां पे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। प्रूव करो कि ये बॉडी किसमें, इन SHM, और इसका टाइम पीरियड निकालो क्या होगा। ठीक, सारे एग्जांपल जितने हम कर रहे हैं एक दूसरे से टोटल इंडिपेंडेंट है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आएगी जिससे SHM करनी पड़ जाएगी। तो मेन काम है रिस्टोरिंग फोर्स, और ये जल्दी जल्दी आएगी नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढनी आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस आती है, एकदम नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, हम इतने एग्जांपल्स करके जाएंगे पेपर्स में अपने पेपर एग्जाम से पहले, कि कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे किए हुए क्वेश्चन के साथ मैच करेगा, हमें पता होगा कि क्या है इसमें रिस्टोरिंग फोर्स। किसके पास इतना टाइम है हमारे रिस्टोरिंग फोर्सेस ढूंढने का, किसी के पास टाइम नहीं है इतना। आपको पता होना चाहिए कि इस केस में ये रिस्टोरिंग फोर्स निकलती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, एरिया इंटू एच, तो एरिया इंटू एच वॉल्यूम पानी के अंदर है, और वेट ऑफ वाटर निकालना है तो डेंसिटी किसकी, वाटर की, इंटू जी। तो दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एल, इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू हम किसका वेट निकाल रहे हैं, बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी, बॉडी की, इंटू जी। तो मैंने क्या किया, आर्किमिडीज लगाया, हमने प्रेशर चैप्टर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, उसमें आर्किमिडीज किया, जिसमें क्या किया था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। यहां से जी कैंसिल और एल की वैल्यू आ गई, एल आ गया यहां तक, इसको यहीं रोक के रखना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इस SHM स्टार्ट नहीं हुआ, SHM तब स्टार्ट होगा जब आप इसे वाई डिस्प्लेस करेंगे। तो वाई आपने पुश किया, जब Y पुश किया और आप रिलीज करेंगे इसे, तो ये सिलेंडर आपको फाइनली कहां आके रुकता हुआ दिखाई देगा, यहां पे, बाहर थोड़ा उड़ जाएगा पानी के, अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। तो एच डिस्टेंस उसका पहले भी पानी में था, एच डिस्टेंस उसका अब भी पानी में है। प्रॉब्लम कहां पर है, जब आपने एक्स्ट्रा उसको कितना नीचे डुबो दिया, वाई। प्रॉब्लम तब है जब वाई डिस्टेंस नीचे आ गया। अब वाई डिस्टेंस और पुश करने से क्या होता है, वो और पानी डिस्प्लेस करेगा। देखो एच तो वो पहले भी कर ही रहा था, लेकिन वो एच पानी जो डिस्प्लेस था वो वेट ऑफ बॉडी को बैलेंस कर रहा था। अब वाई और चला गया, तो वाई पोर्शन ने, जो सिर्फ वाई पोर्शन को देखना, तो वाई पोर्शन ने इतना लिक्विड क्या किया, एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर देना है। तो इससे और अपथ्रस्ट लगेगा, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ही अपथ्रस्ट होता है। तो ये फालतू जो आपने जबरदस्ती वाई पोर्शन को नीचे पुश किया, तो ये एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस करेगा, इससे एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट होगा, जो कि बॉडी को यहां से कहां लेके आएगा, यहां पे लेके आएगा। तो अपथ्रस्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अपथ्रस्ट कर रहा है इतने पोर्शन ने जो वाटर डिस्प्लेस किया, वही अपथ्रस्ट है। वो जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट इस डुबोने की वजह से हुआ, वो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि भेजना किसने ऊपर, पानी की अपथ्रस्ट ने। अपथ्रस्ट कहां लग रहा है, ऊपर लग तो पहले भी रहा था, पर वो जो अपथ्रस्ट लग रहा था वो तो पहले भी लग रहा है, वो इतने पोर्शन का अब भी लग रहा है, वो बॉडी को ऊपर थोड़ा लेके आ रहा है। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें कि वाई जीरो है, तो आपका डायग्राम ये बन जाएगा, तो बॉडी तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो अब ये और ऊपर तो आएगी नहीं, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वाई है वही बॉडी को ऊपर लेके आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय लेंथ वाई। एच नहीं बोलना, क्या बोलना है, सिर्फ वाई। जितना आप पुश करते जाओगे पानी, उतना ही एक्स्ट्रा थ्रस्ट लगाता जाएगा और ऊपर भेजता जाएगा आपको। तो वाई, अब वाई का लिक्विड डिस्प्लेस निकालें, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या बनेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई, क्या इतने पोर्शन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और किसका वेट निकल रहा है, लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, इंटू जी। तो ये वेट आ गया वाई पोर्शन का। तो ये फोर्स है, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है।
फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स में किसको ऊपर पुश करना है, पूरे सिलेंडर को। पूरे सिलेंडर का मास क्या है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। तो मास आ गया, सॉल्व करके एक्सीलरेशन आ गई, ये चारों चीजें कॉन्स्टेंट आ गई, ए प्रोपोर्शनल टू वाई विद नेगेटिव साइन एस एच एम आ गया, एस एच एम की इक्वेशन लिख दी, कंपेयर करके ओमेगा आ गया, ओमेगा टू पाई बाई टी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब इस टाइम पीरियड की वैल्यू में L आ रहा है न्यूमिनेटर में, और L हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस L की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से उठा के यहां पुट करते हुए सिग्मा सिग्मा रो रो कैंसिल आंसर। तो फाइनल आंसर यहां तक करके आएंगे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h / g, यानी कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जितनी भी हाइट नीचे डूबी होती है एक सिलेंडर की, उसके ऊपर उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h / g इज द आंसर।